बच्चों, ये केमिकल स्टॉइचोमीट्री को हम एक और एग्जांपल से समझ रहे हैं। जैसे नाइट्रोजन गैस इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन एंड फॉर्मिंग अमोनिया। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा गिवन इक्वेशन है उसका हमने मोलर रेशियो लिखा, कितना है 1 मोल। नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्म्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, राइट। अब यहाँ पे अगर किसी ने कहा कि भाई हाइड्रोजन एक्सेस में है, यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, और नाइट्रोजन जो है वो क्या है, वो 20 मोल है, यानी 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया बनाती है, तो यहाँ पे 20 मोल नाइट्रोजन, बहुत सारी हाइड्रोजन हो भी अगर, तो क्या फर्क पड़ता है, अमोनिया तो नाइट्रोजन के रेशो से ही बनेगी। तो एक अगर 2 बनाता है तो 20 मोल कितने बनाएंगे बच्चों, सोच के बताइए। अगर 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल अमोनिया मिलती है तो 20 मोल नाइट्रोजन से हमें कितनी मिलेगी, 40 मोल्स ऑफ अमोनिया हमको फॉर्म होगी। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि आपको मोल्स डायरेक्ट दे दें, या ये भी हो सकता है कि आपको मास इन ग्राम दे दें, उससे आपको कैलकुलेशन करनी पड़े। जैसे क्वेश्चन दिया है कि 560 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन गैस, राइट। कैलकुलेट मोल ऑफ अमोनिया। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने देखा कि भाई नाइट्रोजन का क्वांटिटी मोल में तो दे नहीं रखा है, तो पहले हम मोल में कैलकुलेट करेंगे। नाइट्रोजन मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम विच इज 560, और नाइट्रोजन का जो मोलर मास है बच्चों 14 होता है एक नाइट्रोजन का, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन का हो जाएगा 28, यानी 28 ग्राम पर मोल इज द मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एंड 560 ग्राम इज द मास ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम्स, राइट। तो यहाँ गिवन क्वांटिटी 560 ग्राम, मोलर मास 28, तो यहाँ पे 28 टाइम्स 2 इज 56, यानी 20 मोल हो गया। अब 20 मोल नाइट्रोजन से कितना अमोनिया बनेगा, देखो 1 मोल से अगर 2 मोल बनता है अमोनिया, तो 20 मोल से हमको 40 मोल का क्वांटिटी बनेगा।